मध्य महेश्वर जिसे द्वितीय केदार भी कहा जाता है, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का मध्य भाग है। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। सनराइज होने वाला और हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। अभी यहाँ से 7.5 किलोमीटर है मध्य महेश्वर से सनराइज होने वाला है। नंदीकुंड है ये सामने और अभी ट्रैक पे दो ही लोग हैं ट्रैक पे। अभी सुबह सुबह ट्रैकिंग करने पे सांसें बहुत ज़्यादा फूलती हैं, इसलिए धीरे धीरे आसानी से ट्रैक करना चाहिए। मध्य महेश्वर ट्रैक का सुबह का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत हो रहा है। अभी इस ट्रैक पे कोई नहीं है, सिर्फ हम ही आए। सनराइज हो गया है। पहाड़ों की खूबसूरत मॉर्निंग, खूबसूरत व्यू और सनराइज हो गया है। धीरे धीरे ट्रैक कर रहे हैं। कुछ लोग और आ रहे हैं रास्ते में। सुबह सुबह ट्रैक करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो धूप नहीं आती और एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आप जल्दी से काफ़ी किलोमीटर कवर कर सकते हो, इसलिए ट्रैकिंग सुबह जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी मैं चला था सुबह 5 बजे खड़ारा से और करीबन 2 किलोमीटर मैंने कर लिए आधे पौन घंटे में। ये देखिए सुबह वेदर और ट्रैक कितना खूबसूरत हो रहा है। जंगल में सुनसान, एकदम साइलेंट, सुकून। सामने इधर से कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, ये देखो। आ जाओ धीरे धीरे, जय बोले की। अभी हम नानू पहुंचने वाले हैं। यहाँ से नानू 100-200 मीटर और होगा, बस पहुँच ही गए। फिर यहाँ से 5 किलोमीटर और मध्य महेश्वर का ट्रैक है। बता रहे थे नीचे लोग कि जंगल बहुत घना है आगे का, और देखते हैं। ये देखो ट्रैक कुछ ऐसा है। ये खूबसूरत नज़ारे, ये देखो सुबह मॉर्निंग, सुबह का नज़ारा बड़ा ही ज़बरदस्त है इधर का। नान, अभी नान पहुंच गए जो खंडारा से 2 किलोमीटर था। अब यहाँ से मध्य महेश्वर 5.5 किलोमीटर है और धीरे धीरे हम ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ नान में भी रुकने की व्यवस्था है, ये देख सकते हो आप। ये देखो नज़ारे सुबह के, वाह। ये लोग रेस्ट कर रहे हैं, अभी थक गए, इनकी इतनी कैपेसिटी है, ये देख सकते हो।
ये खूबसूरत नजारे, पहाड़, हिमालय, वादियाँ, सब कुछ इधर ही है। हमारी कैपेसिटी डाउन बता रहा है। इतनी है तुम्हारी कैपेसिटी? सूर्य की पहली किरण हिमालय पे आ गई है। जबरदस्त व्यू है, चारों तरफ लालिमा बिखेर दी है सूर्य ने अपनी, और धीरे धीरे ट्रैक हो रहा है अभी समथिंग यहाँ से मध्यमेश्वर 3 से 4 किलोमीटर और बजाए, धीरे धीरे ट्रैक हो रहा है। ये देखो वाव, कितना सुंदर दृश्य। सुबह पहाड़ों की सुबह बहुत खूबसूरत हो गई है। देखो हाउ डू यू फील, बहुत सुंदर ट्रैक है ये भी, रुद्रनाथ ट्रैक की तरह। ये खूबसूरत ट्रैक यहाँ से कितना सुंदर है, और भी खूबसूरत। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ट्रैक और भी सुंदर होता जा रहा है, बस चढ़ने में दिक्कत आ रही है। नहीं ट्रैक तो बहुत सुंदर है, ये देख सकते हो आप जैसे जैसे आगे की यात्रा कर रहे हैं ट्रैक खूबसूरत होता जा रहा है, चढ़ाई बढ़ती जा रही है। वाह ये देखो कितना सुंदर हो रहा है, धूप पूरी तरह खिल गई है, धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, थक गए पूरी तरीके से। धूप खिल गई है और धूप में ट्रैकिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है अभी क्योंकि हीटिंग हो रही है बॉडी में। ट्रैक बहुत सुंदर है ये पूरा, धूप में चलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, ट्रैक नहीं होता है धूप में, बॉडी बहुत जल्दी हीट हो जाती है, पसीने इतने आ जाते हैं कि ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये है पहाड़ों की धूप सहन नहीं होती, पहाड़ों की ना गर्मी सहन होती है ना धूप सहन होती है, बहुत तेज पड़ती है। अब ट्रैक पे इतनी धूप हो रही है पसीने आ रहे हैं, चला नहीं जा रहा है। ट्रैक ऐसा है कहीं प्लेन आता है तो कहीं चढ़ाई आती है, देख सकते हो कितना अच्छा ट्रैक है लेकिन उतना ही डिफिकल्ट है। ये ट्रैक में एक एक चीज देख दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का तो ये ट्रैक है
और कहाँ कितनी चढ़ाई आ रही है, कैसे इस पे ट्रैक करें और कितनी ऊंचाई पे जाके आपको पानी नहीं मिलेगा या कितना रेस्ट करना है, वो सब इस ट्रैक में आपको पूरा देखने को मिलेगा। ट्रैक तो वाकई में बहुत सुंदर है, कुछ सुबह की खूबसूरती ने इसको और भी सुंदर बना दिया। देखो हम उधर से आए नीचे से और यहाँ तक पहुँच गए। ये ऐसा इधर से पहाड़ बुग्याल ही बुग्याल है, इधर पूरे में सारे में बुग्याल ही बुग्याल चल रहे हैं अभी। सामने बुग्याल है। कितना खूबसूरत ट्रैक है, पहाड़ रास्ता बड़ा सुंदर है इसका, और ये रास्ता सुंदर आता है नानू के बाद, उसके बाद ही ये बहुत खूबसूरत हो जाता है पूरा ट्रैक, वरना डाउन ही डाउन, अप डाउन और डैन फॉरेस्ट आता है। लेकिन यहाँ जाके बहुत सुंदर हो जाता है, ये देख सकते हो आप चारों तरफ कितना सुंदर है, पूरा ग्रीन हो रखा है, पूरा फूल है नहीं, फूल आते हैं जुलाई में अगस्त में, लेकिन इस टाइम फूल पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ घास घास बची है। और यहाँ पे परसों बारिश थी, कल भी बारिश नहीं थी, आज भी बारिश नहीं थी है, आज तो पूरा मौसम खुल गया पूरी तरीके से। ये देखो कितना सुंदर हो रहा है चारों तरफ, बहुत खूबसूरत, और ट्रैकिंग करने में मज़ा आ रहा है, पानी पी रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, जिससे बॉडी में एनर्जी बनी रहती है हिमालय का पानी पीने से। ये देखो थैंक यू। अभी ये भैया मिले थे, ये बता रहे थे कि अभी बहुत टाइम लगने वाला है, अभी 4 घंटे की और बोल रहे हैं, कभी बहुत दूर है, लास्ट के जो 2.5 किलोमीटर है बहुत टफ है, ऐसे बता रहे थे। गए मखंबा और यहाँ से कुछ खाने पीने का ले गए, बड़ा ही डिफिकल्ट ट्रैक है यार, बहुत ये देखिए मखंबा यहाँ के घर छोटा सा, यहाँ पे एक आंटी जी रहती है, वो अभी आने वाली है, अब यहाँ से आगे डैन शुरू होने वाला है। और वो दे दो ट्रॉफी, 10 रुपए ट्रॉफी और दे दो, ट्रॉफी चॉकलेट मिठाई। जब भी आप आओ तो यहाँ रुक सकते हो, रुकने की व्यवस्था आपके पास? दो रूम है। कैसे, पैसे कितने क्या लेते हो? एक जन का 300 और खाना 170। अच्छा, यहाँ जब भी आप आओ और रुको तो एक आदमी का 300 रुपए तो रुकने का और 170 रुपए का खाना, खाने में भरपेट खिलाते हैं ये लोग। और अभी मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, रूम कैसे हैं यहाँ,
सोने की क्या व्यवस्था है, कैसा रूम बाबा? हाँ वो अभी मैं दिखा देता हूँ। 10 रुपए की कितनी दे रहे हो? 10 रुपए की 5 दिया बाबा। इधर इधर बहुत महंगाई है, 10 रुपए की 5 टॉफी और जो 10 का बिस्कुट है वो 30 का देते हैं इधर, क्योंकि चढ़ाई। ये कितने की चॉकलेट है? 10-10। ये 5-5 की चॉकलेट, 2-2 रुपए की चॉकलेट, 10-10 की, मतलब सब चीज दुगनी मिलती है इधर। हाँ दूसरा बिस्कुट नहीं है क्या? आप चॉकलेट रहने दो, ये टॉफी दे दो, 10 की और टॉफी दे दो। बिस्कुट पैकेट दूसरा ले रहे हैं। इधर बहुत सिस्टम उल्टा है, हर चीज़ दुगनी तिगनी रेट पे मिलती है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर रूम ऐसे हैं इनके, ये रूम है यहाँ के, इनमें आप रात को रुक सकते हो, ये रूम रहे, और इधर ये रूम रहे, ठीक है। यहाँ रुकने की ये व्यवस्था है, और यहाँ से 4 किलोमीटर मधुमेश्वर, अगर आप रुकना चाहो तो रुको, नहीं तो मत रुको, ये भी सीन है। ओके यहाँ से अब चाय नाश्ता करके आगे की जर्नी शुरू करते हैं। यहाँ से अभी 4 किलोमीटर और है मधुमेश्वर, यहाँ पे हमने थोड़ा रेस्ट किया था क्योंकि थक चुके थे, सुबह से कहीं नहीं रुके थे। अब यहाँ से अब हम निकलने वाले हैं, ये देखो, और आगे का ट्रैक कुछ ऐसा है यहाँ से, और इस जंगल में होकर क्रॉस करके फिर ऊपर जाएंगे। अब जंगल ही जंगल है और पूरा स्ट्रेट है एकदम, पूरा ट्रैक अब बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। अब यहाँ से आगे ये घना जंगल शुरू हो गया है, इसमें हमें बहुत किलोमीटर आगे जाना है, पूरा घना जंगल है, करीबन 4 किलोमीटर का ये घना जंगल है, अब इससे गुजरना है। और इस जंगल में आगे तक कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, इसलिए पानी नीचे से ही कैरी कर लो। ये है, देख सकते हो कितना डेन फॉरेस्ट है, ये बहुत घना जंगल है। और अभी नीचे हम उस आंटी सी से मिले थे, तो वो बता रही थी यहाँ पर भालू, पैंथर, बाघ और भी बहुत सारे जानवर हैं, वो मिलते हैं रास्ते में, इसलिए कभी भी ट्रैक करो ना तो आप ग्रुप में करो, साथ में आओ, अकेले ट्रैक इस जंगल में मत करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घना है, ये देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ट्रैक। और यहाँ चढ़ाई भी शुरू हो जाती है, इस वजह से इसमें बहुत आराम से चलना होता है, और आदमी रेस भी नहीं कर सकता, तो कोई जानवर आ जाए तो सेफ्टी का काफ़ी इशू रहता है। ये देखो पानी आ रहा है ऊपर से, देखते हैं आगे कितना और चढ़ना पड़ेगा, तो फिर से चढ़ाई आ गई। फिर से चढ़ाई आ गई है, ज़्यादा एकदम स्ट्रेट खड़ी चढ़ाई है, और पूरा जंगल है, देख सकते हो कितना घना जंगल है ये, पूरा जंगल, कोई नहीं है इस जंगल में। ट्रैकिंग के दौरान बहुत डिफिकल्ट रास्ते हैं, ये देखो, और अभी तो ये यूं घूमता है, उधर जा रहा है, फिर आगे पूरा जंगल है एकदम। अभी हम पहुंच गए हैं कुंचट्टी, और यहाँ से मधुमहेश्वर है 2.5 किलोमीटर, मधुमहेश्वर का ट्रैक अभी 2.5 किलोमीटर है। ये देखो अब यहाँ से लास्ट है, 2.5 किलोमीटर के बाद ही कुछ खाने पीने को मिलेगा। हर हर महादेव, कहाँ से हो? गोंडा। गोंडा लोकल ही हो?
हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी यहाँ से 2.5 किलोमीटर और जाना है ऊपर, फिर मध महेश्वर है। ये अभी पीछे कुंचट्टी थी और ये लास्ट खाने पीने का मिलता है। अब यहाँ से और मध महेश्वर के बीच कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलने वाला, इसलिए कुछ खाना पीना हो तो यहीं खा पी लो। ये देखिए ट्रैक, इधर से अभी मध महेश्वर 2.5 किलोमीटर है। यहाँ से यूँ घूम के हमको इन पेड़ों के उस पार जाना है, इधर वो सामने आ रहा है, इसको क्रॉस करके ऐसे ऐसे करके जिग जैग बना हुआ है, उसको पूरा क्रॉस करके ऊपर जाना है। अभी तो बहुत चलना है, थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा ही थकान हो गई है। सामने से कितने सारे वाटरफॉल बने हुए हैं, पानी के दार, ये सब मिलके नीचे मधुगंगा बनाते हैं। ये देखो कितना शानदार व्यू है। यहाँ पहाड़ों में ऊपर कुंड बने हुए हैं, इधर साइड में नंदी कुंड है, उसका ट्रैक भी करेंगे, वहाँ से भी ये पानी आ रहा है। तो ये देखो कितने सारे धार बनी हुई है, एक ही आ रही, एक आ रही, एक आ रही, इस तरह से ये बना हुआ है। और अभी यहाँ से 2 किलोमीटर और बचा हुआ है, कोई कितना बताता है, कोई कितना बता रहा है एक्यूरेट। नीचे जो कुंचट्टी पे था वहाँ से तो 2.5 किलोमीटर था, हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, हम बहुत आगे थक गए। लेकिन ये ट्रैक सबसे डिफिकल्ट ट्रैक है भाई, इसमें सिर्फ चढ़ाई चढ़ाई है, डाउन तो है ही नहीं पूरे ट्रैक पे। ऐसा है ट्रैक, जंगल है एकदम, पूरा पूरे में जंगल है, देख सकते हो कितना घना जंगल है। अभी मैं कुन्नूचट्टी से यहाँ तक आया हूँ, पूरी इस तरह से चढ़ाई है, बहुत डिफ़िकल्ट है बहुत। अब तक मुझे लगता है केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ सबसे डिफ़िकल्ट यही लग रहा है मुझे अभी तक, बहुत दूर है। लास्ट के जितने भी 2.5-3 किलोमीटर है वो तो बिल्कुल ऐसे हैं और पूरा ट्रैक ऐसा है। यहाँ से अभी 500 मीटर और दूर है, बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है, सुंदर है, बहुत कठिन है। अब थोड़ा और बचा है, पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। और ये ट्रैक ऐसा है, पहुँच गए अब तो घर दिखने लग गए। ये देखो अभी सामने कुछ होम स्टे दिखने लगे, लगता है पहुंच गए। अभी दिखाते हैं आपको, ये मंदिर दिख गया, जय भोलेनाथ की होम स्टे आ गए। ये होम स्टे है यहाँ, और अब तो फाइनली पहुंचने वाले हैं। ये देखो मंदिर के पट कितने बजे लगते हैं भैया? 11 हैं? 11 लग गए होंगे, क्या हुआ टाइम अभी? 11:20 बंद हो गया। आप कब खोलेंगे? शाम को। आज सुबह 5 बजे हम चले थे खडरा से और यहाँ पहुँचे हैं हम 11:30 बजे, और यहाँ के हमने अभी दर्शन करेंगे जाके। और लोग कह रहे थे कि 12 बजे बंद हो जाता है, लेकिन
दर्शन करेंगे जाके, अब हो जाएगा आधे घंटे में तो दर्शन हो ही जाएंगे। और अभी यहाँ रुक रहे हैं हम, ये होटल है मध्य महेश्वर नाम से, ये भैया बढ़िया खाना वाना देते हैं। जब भी आप आओ तो यहाँ भी रुकने की अच्छी व्यवस्था है, पूरे यहाँ होम स्टे बने हुए हैं सबके लिए। और यहाँ रूम मिलता है 300 रुपये पर पर्सन और खाना मिलता है 200 रुपये पर प्लेट, इस हिसाब से ये। हाँ ओके, बहुत कठिन ट्रैक था ये है। यहाँ से ये फाइनली व्यू यहाँ का, और यहाँ हम पहुँच गए थे। ये मध्य महेश्वर है जहाँ पे होम स्टे हैं, यहाँ आप रुक सकते हो, काफ़ी होम स्टे हैं। यहाँ पर पर्सन 300 रुपये लेते हैं और खाने का 170 या 200 रुपये पर पर्सन लेते हैं, जिसमें फुल खाना होता है। देख सकते हो इधर का पूरा, यहाँ पीछे भोलेनाथ विराजमान है और शानदार व्यू है, एकदम मस्त। नाश्ता खाना सब कुछ कर सकते हो आप। ये देखो यहाँ आने के बाद स्नान करने के बाद पूरी थकान उतर गई। अभी हमने अंदर जस्ट दर्शन कर लिए क्योंकि 12 बजे के आसपास ही कपाट बंद हो जाते हैं, पट लग गए, लेकिन हमने पहले ही दर्शन कर लिए इसके। ये देखो ये मंदिर है बाबा मध्य महेश्वर का, यहाँ ये गंगा धार है पवित्र, इसको ना छुए, पीछे से इसकी ऐसा है पूरा मंदिर। मंदिर के पीछे का भाग बाबा मध्य महेश्वर के दर्शन करने के बाद आप यहां से 2 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर की तरफ बूढ़ा मध्य महेश्वर के भी दर्शन कर सकते हो। ऊपर मंदिर बना हुआ है बाबा बूढ़ा मध्य महेश्वर का, जिसका ट्रैक आप यहां सामने से देख सकते हो जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी हम मध्य महेश्वर के हमने दर्शन कर लिए, मंदिर के कपाट लग गए, 12 बजे कपाट लग जाते हैं। और ये द्वितीय केदार हैं, प्रथम केदार केदारनाथ है। मध्य महेश्वर में भगवान का मध्य भाग है, इसलिए यहाँ पे नाभि की पूजा होती है। ये मेरे जस्ट पीछे मंदिर है और यहाँ जब भी आप मध्य महेश्वर आओ तो जस्ट पीछे मेरे होम स्टे हैं, यहाँ पे आप रुक सकते हो और रात को शाम को 6 बजे यहाँ पे आरती होती है। सुबह आरती नहीं होती, शाम को ही आरती होती है। और ऊपर में है बूढ़ा केदार, यहाँ से 2 किलोमीटर, वहाँ भी जाएंगे नहीं क्योंकि वेदर ख़राब हो चुका है इस वजह से। यह आप देख सकते हो यहाँ पीछे का बैक का नज़ारा कितना शानदार है, कितना सुंदर है चारों तरफ, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे पैलेस है। यहाँ 22 किलोमीटर का ट्रैक करके यहाँ पहुँचना पड़ता है।